खबर सीहोर से है, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ प्राची ने गणेश मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि टाउन हॉल में सभा को संबोधित करते हुए 2023 के चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह सीहोर से किया। उन्होंने अपने 15 महीने के सरकार के विकास कार्यों को गिनवाया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में लगातार घोटाले हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती हो या अन्य भर्ती हो, सभी के पेपर लीक हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये विकास यात्रा नहीं है, ये विकास यात्रा है। और मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर वो प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। हमारे सामने चुनौती है नौजवानों के भविष्य की, नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में।